द मोस्ट कॉमन थिंग आफ्टर वी फाइंड आउट कि हमें प्रॉब्लम है, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हर औरत के दिमाग में आती है, मुझे कौन से टेस्ट करवाने होंगे, क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, अगर आप बता पाए लेडीज को, व्यूअर्स को, व्हाट आर जनरली द टेस्ट और व्हाट इज द व्हाट इज फॉलोज नेक्स्ट वंस यू हैव बीन डायग्नोस्ड। ओके, सो कैंसर को डायग्नोज करने का हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट का मतलब है आप जब फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो आपको अपनी फीलिंग से क्या लगता है, आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि लंप हार्ड है, लंप सॉफ्ट है। मैं डॉक्टर्स के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। डॉक्टर्स अपनी एक परसेप्शन बनाते हैं कि उनका एक रिस्क असेसमेंट क्या है, दैट्स द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट है कि हम कोई ना कोई रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करते हैं। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एज के ऊपर डिपेंड करती है। जनरली मैमोग्राम जो एक ब्रेस्ट का एक्सरे है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली किया जाता है। कुछ लोगों में ब्रेस्ट का एक्सरे मैमोग्राम के बाद कॉम्प्लीमेंट्री अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू बी श्योर कि जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास एक तरीके से रेडियोलॉजी की सेकेंड ओपिनियन है कि नहीं। यंग फीमेल्स में जब डेंस ब्रेस्ट होते हैं तो नॉर्मली हम एक MRI ब्रेस्ट करते हैं क्योंकि कई बार अल्ट्रासाउंड मैमोग्राम यंग फीमेल्स में नहीं देख पाते। इन्वेस्टिगेशन और भी हैं पर ये 2-3 मेन इन्वेस्टिगेशन है। थर्ड टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट ट्रिपल टेस्ट को कंप्लीट करने वाला होता है नीडल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं FNAC या बायोप्सी। FNAC एक एक्सट्रीमली महीन टेस्ट होता है, बायोप्सी में नीडल थोड़ी सी ज़्यादा होती है। FNAC टेस्ट गलत नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव टेस्ट दे सकता है, सिंपलर होता है, जल्दी रिपोर्ट होती है। बायोप्सी टेस्ट, ये दोनों टेस्ट कम्प्लीटली सेफ हैं, कैंसर नहीं बढ़ाते हैं। और ये दोनों टेस्ट के बायोप्सी के टेस्ट के अंदर नॉट ओनली हमारा डायग्नोसिस सर्टेन होता है, श्योर होता है, मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें हम कैंसर के करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हॉर्मोनल है, नॉन हॉर्मोनल है, फास्ट है, स्लो है, वेरी स्लो है। टू रिपीट, वी डू ट्रिपल टेस्ट। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, नंबर 2 रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे मैमोग्राम प्लस समथिंग एल्स, एंड थर्ड एन FNAC और बायोप्सी, प्रेफरेबली बायोप्सी। इन तीन चीज़ों के असेसमेंट पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये कैंसर है कि नहीं। इसके बाद हम फर्दर टेस्ट करते हैं, अगर ये कन्फर्म्ड होता है फर्स्ट स्टेजिंग जैसे एक्सरे चेस्ट का, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का, कुछ केसेस में CT स्कैन, बोन स्कैन, या करंटली हम बहुत कॉमनली होल बॉडी स्कैन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं PET CT स्कैन, क्योंकि हमें मोटा मोटा हेड टू नी तक इंफॉर्मेशन देता है कि डिसीज का कोई स्प्रेड है कि नहीं। थैंक यू डॉक्टर अमित।